आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मोबाइल फोन से YouTube के लिए वीडियो को एडिट कैसे किया जाता है। इस वीडियो में आपको एकदम बेसिक लेवल से एडिटिंग सिखाऊंगा। तो अगर आपको आज से पहले वीडियो एडिटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वह सब कुछ जान जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मोबाइल फोन पर वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है काइनमास्टर। काइनमास्टर से आप एकदम प्रोफेशनल वीडियो को एडिट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन पर आपको वे सभी टूल्स मिल जाते हैं जो एक वीडियो एडिट करने के लिए जरूरी होते हैं। मार्केट में आपको दो तरीके के काइनमास्टर मिल जाएंगे, एक वाटरमार्क वाला जो कि फ्री है और दूसरा विदाउट वाटरमार्क वाला, जिसके लिए आपको उनका पेड वर्जन लेना होता है। पेड वर्जन में आपको और भी ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं जो वीडियो एडिटिंग में काम आएंगे। पेड वर्जन को फ्री में कैसे लें वह जानने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। तो काइनमास्टर में वीडियो को एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ क्रिएट प्रोजेक्ट प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। इधर आपको रेशियो चूज करना होगा। तो अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो एडिट कर रहे हैं तो आप यहाँ चूज करेंगे 16:9। प्रोजेक्ट में सबसे पहले आपको इस वीडियो को इंसर्ट करना होगा जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। तो वीडियो को इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ मीडिया पर क्लिक करें, फिर आपकी सभी फाइल्स आपके सामने आ जाएंगी। तो आप इधर उस फोल्डर को फाइंड कर लें जहाँ पर आपकी वीडियो रखी हुई है। फाइंड करने के बाद वीडियो पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपकी वीडियो इंसर्ट हो जाएगी। जिधर आपको ये वीडियो शो रही है, इस पूरी लाइन को एडिटिंग की भाषा में टाइमलाइन कहा जाता है। वीडियो इंसर्ट करने के बाद सबसे पहले आपको अननेसेसरी यानी कि जिस पार्ट की आपको जरूरत नहीं है उसे कट करना होता है। एडिटिंग की भाषा में कट को ट्रिम कर दें। अगर आपको लेफ्ट साइड वाला पार्ट कट करना होगा तो आप चूज करेंगे ट्रिम टू लेफ्ट, एंड अगर आपको राइट साइड वाला पार्ट कट करना होगा तो आप चूज करेंगे ट्रिम टू राइट। टाइमलाइन पर आपको एक डॉट 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 की वर्टिकल लाइन शो हो रही होगी, तो इस लाइन को कहते हैं प्ले हेड। तो इस लाइन के इस साइड वाला पार्ट है लेफ्ट पार्ट और इस साइड वाला पार्ट है राइट पार्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए इधर हम इस पार्ट को कट करना चाहते हैं, ये अननेसेसरी पार्ट है, तो इसे कट करने के लिए आप इस टाइमलाइन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप इधर सीजर के आइकन पर क्लिक करें। इधर आप अगर लेफ्ट पार्ट को हटाना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड, एंड अगर आप राइट पार्ट को हटाना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड। तो जैसे हमें लेफ्ट पार्ट को हटाना है तो इधर हम सिलेक्ट करेंगे ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड। सिलेक्ट करते ही आपका वह अननेसेसरी पार्ट वीडियो में से डिलीट हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर आप वीडियो के लास्ट के पार्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस प्ले हेड को उस पॉइंट पर लाएं, फिर इस टाइमलाइन पर क्लिक करें, इधर सीजर पर क्लिक करें, एंड इस पर आप चूज करेंगे ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, क्योंकि आप राइट साइड के पार्ट को रिमूव करना चाहते हैं। तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही आपका वह अनवांटेड पार्ट वीडियो में से रिमूव हो जाएगा। तो वीडियो के स्टार्टिंग में अनवांटेड पार्ट को कैसे हटाया जाता है वह जान लिया, वीडियो के एंडिंग में अनवांटेड पार्ट को कैसे हटाया जाता है वह जान लिया। अब अगर आप वीडियो के बीच में से किसी पार्ट को रिमूव करना चाहते हैं तो उसे कैसे करेंगे आइए जानते हैं। तो आप जिस पार्ट को हटाना चाहते हैं उधर इस टाइमलाइन को लेकर आएं, उसके बाद आप इस पर क्लिक करें, इधर सीजर पर क्लिक करें, एंड इस पर आप सिलेक्ट करेंगे स्प्लिट एट प्ले हेड। स्प्लिट मतलब किसी भी चीज को दो हिस्सों में बांटना। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी वीडियो स्प्लिट हो जाएगी यानी कि दो हिस्सों में बट जाएगी। फिर आप इस प्ले हेड को वहां तक लेकर आए जहां तक कि पार्ट को आप वीडियो में से रिमूव करना चाहते हैं। लाने के बाद दोबारा स्प्लिट पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपकी वीडियो दोबारा से स्प्लिट हो जाएगी। अब आप इस बीच वाले पार्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ डिलीट के आइकन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपका वह पार्ट डिलीट हो जाएगा। अब आपने जो यहाँ पर डिलीट किया है, इधर अगर आप चाहें तो कोई ट्रांजिशन इफेक्ट को भी डाल सकते हैं। ट्रांजिशन इफेक्ट डालने के लिए आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने कई सारे इफेक्ट आ जाएंगे। तो आप इधर से किसी भी इफेक्ट को अपनी वीडियो में डाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर इनमें से किसी एक इफेक्ट को चूज कर लेते हैं। चूज करते ही आपका वह इफेक्ट वीडियो में आ जाएगा, एंड इफेक्ट कैसा शो हो रहा है वह वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। तो अभी तक हमने जाना वीडियो को ट्रिम इन ट्रिम आउट कैसे किया जाता है, वीडियो को स्प्लिट कैसे किया जाता है, एंड वीडियो में ट्रांजिशन इफेक्ट को कैसे डाला जाता है। चलिए अब जानते हैं कि वीडियो में अपना इंट्रो कैसे ऐड किया जाता है। तो वीडियो में अपना इंट्रो ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको उस पॉइंट पर आना होगा जिधर आप अपने इंट्रो को लगाना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इस पॉइंट पर आप अपने इंट्रो को ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस प्ले हेड को इस पॉइंट पर लेके आना होगा। उसके बाद इस टाइमलाइन पर क्लिक करें,
इधर सीजर पर क्लिक करेंगे एंड इधर स्प्लिट एट प्ले एट के ऑप्शन को चूज करेंगे। चूज करते ही आपकी वीडियो स्प्लिट हो जाएगी। अब आप अपने इंट्रो को ऐड करने के लिए इधर मीडिया पर क्लिक करें और जिस भी फोल्डर में आपका इंट्रो रखा हुआ है उधर से इंट्रो को सिलेक्ट कर लें। क्लिक करते ही आपका इंट्रो इधर ऐड हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इस इंट्रो के पहले किसी ट्रांजिशन इफेक्ट को भी डाल सकते हैं, जिसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और जौन सा भी ट्रांजिशन इफेक्ट आप डालना चाहते हैं उसे यहां से सिलेक्ट कर लें। इसी तरह आप इंट्रो के लास्ट में भी इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं। अब यहां पर थोड़ा वीडियो प्ले करके देख लेते हैं। तो अभी तक सब कुछ परफेक्ट है। चलिए अब जानते हैं कि वीडियो में लोगो या वाटरमार्क को कैसे ऐड किया जाता है। तो लोगो को ऐड करने के लिए आप यहां पर लेयर पर क्लिक करें, इधर आप इमेज पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपकी फाइल्स आपके सामने आ जाएगी। तो जिस भी फोल्डर में आपका लोगो रखा हुआ है उस फोल्डर पर जाकर अपने लोगो को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद राइट के आइकन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपका लोगो वीडियो में आ जाएगा। उसके बाद आप इस तरह अपने लोगो का साइज छोटा कर लें। करने के बाद लोगो को पकड़कर जहां पर भी आप रखना चाहते हैं वहां पर लाकर छोड़ दें। एंड अगर आप लोगो पर कोई इफेक्ट भी ऐड करना चाहते हैं तो वह आप इधर इन एनिमेशन पर क्लिक कर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए हम इस वाले एनिमेशन को चूज कर लेते हैं। करने के बाद अब आपको इस लोगो को स्क्रॉल कर इस पूरी वीडियो पर कुछ इस तरह से सेट कर देना होगा। इसी तरह अगर आप चाहें तो आप अपने वाटरमार्क को भी ऐड कर सकते हैं। तो वाटरमार्क को ऐड करने के लिए आप इधर लेयर पर क्लिक करें, इधर मीडिया पर क्लिक करें और आप अपने वाटरमार्क को गैलरी में से चूज कर लें। चूज करते ही आपका वाटरमार्क इधर आ जाएगा। तो आप इसका भी साइज छोटा कर लें और जहां पर भी आप सेट करना चाहते हैं उधर लाकर इसे छोड़ दें। उसके बाद अब आपको इसकी विजिबिलिटी कम करनी होगी तो आप इस वाटरमार्क पर क्लिक करें। इधर आपको कई सारे ऑप्शन होंगे तो आप इसे स्क्रॉल करें। इधर आपको नीचे की साइड अल्फा ओबेसिटी लिखा शो होगा तो आप इस पर क्लिक करें और इधर से इस वाटरमार्क की विजिबिलिटी कैपेसिटी को थोड़ा कम कर दें जिससे ये प्रॉपर वाटरमार्क लगेगा। करने के बाद राइट पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपका लोगो और वाटरमार्क वीडियो में ऐड हो जाएगा। एंड सेम प्रोसेस को फॉलो कर अगर आप वीडियो में इमेज को भी ऐड करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। तो इमेज को ऐड करने के लिए इधर लेयर पर क्लिक करें, इधर मीडिया पर क्लिक करें और गैलरी में से आप जिस भी इमेज को अपनी वीडियो में ऐड करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपकी वह इमेज वीडियो में आ जाएगी। उसके बाद आप इसका भी साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना चाहे उधर ऐड कर सकते हैं एंड इस पर भी ट्रांजिशन इफेक्ट डाल सकते हैं। अब जानते हैं कि अगर आप वीडियो में म्यूजिक को ऐड करना चाहते हैं तो वह कैसे किया जाता है। तो वीडियो में म्यूजिक को ऐड करने के लिए आप इधर ऑडियो पर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने आपके सॉन्ग आ जाएंगे। तो जिस भी सॉन्ग को आप ऐड करना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट कर लें। आप अपने YouTube वीडियो में नॉन कॉपीराइट म्यूजिक को यूज़ करें, वही आपके लिए सही रहेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी एक बार YouTube वीडियो की प्लेलिस्ट को वॉच जरूर कर लें। इससे क्या होगा, इससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे जो आपको हो रहे होंगे। प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। जिस सॉन्ग को आप ऐड करना चाहते हैं उसे फाइंड करने के बाद इस पर क्लिक कर आप उसे सुन सकते हैं और इस प्लस के आइकन पर क्लिक कर आप उस सॉन्ग को वीडियो में ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस सॉन्ग के वॉल्यूम को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करें, इधर वॉल्यूम के आइकन पर क्लिक करें और इधर से आप वॉल्यूम को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें। करने के बाद राइट के आइकन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपके म्यूजिक का साउंड कम हो जाएगा और वह सॉन्ग एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक आपकी वीडियो में सेट हो जाएगा। और अगर आप वीडियो में टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लेयर पर क्लिक करें, इधर नीचे की साइड आपको टेक्स्ट लिखा शो होगा तो आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वह इधर टाइप कर लें। टाइप करने के बाद ओके करें। ओके करते ही आपका वह टेक्स्ट आपकी वीडियो पर आ जाएगा। उसके बाद आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे जिधर चाहें उधर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इस साइड आपको टेक्स्ट की कुछ सेटिंग दिख जाएंगी, जैसे इस पर क्लिक कर आप टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इधर से आप टेक्स्ट को ट्रिम इन ट्रिम आउट कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं एंड इधर से आप टेक्स्ट में एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे इधर से आप इन एनिमेशन को सेट कर सकते हैं और इधर से आप आउट एनिमेशन को सेट कर सकते हैं। अगर आप अपनी वीडियो में ट्रांजिशन इफेक्ट को भी डालना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप उस पॉइंट पर इस प्लेट को लेकर आएँ। उसके बाद इस पर क्लिक कर सबसे पहले इसे स्प्लिट कर लें। स्प्लिट करने के बाद आप इस पर क्लिक करें।
क्लिक करते ही आपके सामने कई सारे ट्रांजिशन इफेक्ट आ जाएंगे। उसके बाद इधर आप जिस भी इफेक्ट को ऐड करना चाहते हैं उसे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करते ही वह इफेक्ट आपकी वीडियो में ऐड हो जाएगा। पूरी वीडियो एडिट हो जाने के बाद अब आपको अपने प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करना होगा, तो उसके लिए आप इस आइकन पर क्लिक करें, इधर एक्सपोर्ट पर क्लिक करें। इधर आपको उसे एक्सपोर्ट होने तक का वेट करना होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप मोबाइल फोन से YouTube वीडियो को एडिट कर सकते हैं। आई होप वीडियो में बताए गए स्टेप्स आपको समझ आए होंगे। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।